Okay, so this was about the first day, and then let's come quickly to the second one जो हमने किया था pharmacokinetics में, about the bioavailability. Bioavailability बहुत important है इसके लिए because ये graphs बहुत आजकल आते हैं, and अगर हम entrance exams की तैयारी करें तो उसमें ये graphs पूछते हैं. Otherwise also you should know what is Cmax, what is area under curve and what is Tmax. ठीक है, so Cmax is a maximum concentration यहाँ पे. Tmax is the time which is required जब भी ये maximum concentration आती है, और areas को जब हम इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं एरिया अंडर कर्व. तो ये तीन चीजें हैं, Cmax, Tmax, एरिया अंडर कर्व. सो व्हाट डज Tmax टेल यू? Tmax टेल्स यू अबाउट द रेट, कितनी जल्दी Cmax आ गया, जितनी जल्दी उसने अब्सॉर्ब हो गया, रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन. एरिया अंडर कर्व टेल्स यू अबाउट द एक्सटेंट, कितना अब्सॉर्प्शन हुआ है, दैट इज बाय द एरिया अंडर कर्व. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज टू थिंग्स, Tmax रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन, AUC extent of absorption. ये दोनों चीजें हमें आनी चाहिए. And the bioavailability, bioavailability का formula. This is very important because आजकल numericals आते हैं and you have to calculate the bioavailability. So this is area under curve of the same drug when you give it by oral route and when the same drug is given by the IV route. दोनों का areas आपको दिए होंगे, आपको calculate नहीं करना होगा in the graph. This will be given to you and you multiply it by 100. ठीक है? सो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्राफ है, इसमें दो ग्राफ्स हैं, सो लेट्स से जो ये येलो वाला है ये आईवी रूट के बाद एरिया अंडर कर्व कवर किया, अगर ये वाला है ये ओरल के बाद कैलकुलेट किया और व्हाट्सएवर. ठीक है, ऐसे आपको दो ग्राफ्स आएंगे, आपको एरिया अंडर कर्व दिया गया होगा, आपने सिर्फ उसको इस फॉर्मूले में डालना है, आपने अपना बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट करना है. एंड यू नो दैट अगर आईवी रूट होगा तो यूजुअली उसकी बायोअवेलेबिलिटी इज ऑलवेज मोर एंड ओरल की बायोअवेलेबिलिटी हमेशा कम होती है. So factors affecting absorption, it's written in the book, it's just a text thing, you have to write all these factors कि drug factors कौन से होते हैं, solid form में है, liquid form में है, that depends उसके अंदर कौन कौन से non active ingredients है. ठीक है, that you have to mention. Lipid soluble होएगी absorption अच्छी होएगी, ionization नहीं होएगी तो solubility अच्छी, absorption अच्छी होगी, area ज्यादा होगा absorption अच्छी होएगी. रूट पे डिपेंड करता है, अगर आईवी है तो मोर अब्सॉर्प्शन है, अदर रूट्स है अगर ओरल तो लेस अब्सॉर्प्शन है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. डिजीज है तो अब्सॉर्प्शन कैन वेरी. प्रेजेंस ऑफ फूड है, फूड कैन इंटरफेयर विद द अब्सॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स, तभी हम कई ड्रग्स खाली पेट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिफाम्पिसिन, फॉर एग्जाम्पल थायरोक्सिन, सो दे आर गिवन ऑन एन एम्प्टी स्टमक बिकॉज अगर हम खाने के साथ देंगे इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी. तो इनको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि हमेशा आप खाने के पहले खाना है, ब्रेकफास्ट से पहले, PPIs प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स 1 hour बिफोर ब्रेकफास्ट. 2 ड्रग्स इकट्ठी दे रहे हैं एब्जॉर्प्शन फर्क हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आयरन टैबलेट ले रहे हैं और उसको दूध के साथ ले रहे हैं, उसमें कैल्शियम होता है तो आयरन कैल्शियम आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. कभी हम अगर किसी को आयरन टैबलेट भी दे रहे हैं, किसी को कैल्शियम भी दे रहे हैं, हम हमेशा कहेंगे एक सुबह लो एक शाम को लो, इकट्ठे कभी मत लो, दूध के साथ आयरन मत लो, बेटर है कि विटामिन सी फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस लो उसके साथ आयरन लो, उससे क्या होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन. This is about the, you all know that this is first pass metabolism. So liver is the major area, major site जहाँ पे first pass metabolism होती है. And drugs, especially oral route से जो drug आती है, that follows the maximum first pass absorption. And this is important for oral as well as rectal. ये दो रूट्स हैं जहाँ पे ओरल एंड रेक्टल में जहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मेजर रोल है, बाकी मोस्ट ऑफ दी जैसे पैरेंटल रूट्स ऑल बाईपास. ठीक है, सो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड कॉन्सिक्वेंसेस आर इम्पोर्टेंट एक्चुअली. एग्जाम्पल्स अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसके लिखने के बाद व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, क्या उसका मतलब रिजल्ट क्या होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए. टेक अ स्नैपशॉट कि ओरल ड्रग हमेशा उस ड्रग की जिसकी ज्यादा होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ओरल डोज हमेशा उसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पैरेंटल. तो अगर आप पैरासिटामोल ओरली दे रहे हो फॉर फीवर, उसकी डोज लेट्स से 500 मिलीग्राम है, अगर वही पैरासिटामोल आप आईवी दे रहे हो या आईएम दे रहे हो तो उसकी डोज उसकी 2 मिलीग्राम होगी बिकॉज इट इज बाईपासिंग द फर्स्ट डोज, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. देन इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं बिकॉज लिवर की मेटाबॉलिज्म फर्क होती है सम पीपल टू पीपल, सो देयर कैन बी डिफरेंसेस इन दैट. हेपेटिक डिजीज, अगर किसी को लिवर की ही डिजीज है तो ओरल बायोअवेलेबिलिटी उसकी बढ़ सकती है, बिकॉज अब वो मेटाबोलाइज उतनी अच्छे से नहीं होगा, बिकॉज लिवर अब उस काबिल नहीं है उसको मेटाबोलाइज करने के. सो देयर विल बी इंक्रीज इन द ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड दैट कैन लीड टू टॉक्सिटी. सो आपको उस ड्रग की डोज पहले से कम करनी पड़ेगी अगर किसी को लिवर डिजीज है. Then it can increase if given with another drug competing for the first pass metabolism. So let's say there are two drugs आप दे रहे हो, chlorpromazine as well as propranolol, both undergo high first pass metabolism, so they can compete with each other. ठीक है, वो कहेंगे ना मैं पहले मेटाबोलाइज होती हूँ, वो कहते हैं मैं पहले मेटाबोलाइज होती हूँ, तो करते कंपटीशन होता है, तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कौन सी मेटाबोलाइज हो रही है ज्यादा कौन सी कम हो रही है. So this can be another consequence of high first pass metabolism. So all these, your question is complete if you write all these points all together. Volume of distribution, the only this formula, please remember this formula, because many of the questions are asked in the about the apparent volume of distribution. I also posted a MCQ in the group. वहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, बस आपको टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग डालनी है उसमें और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डालनी है, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट दिस फॉर्मूला, दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन एक सेपरेट शीट पे आप ये फॉर्मूलाज आप लिख लो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड for the university examination, the clinical significance of plasma protein binding, please remember these, you can take again a snapshot of 5 days. What are the clinical significance of plasma protein binding? Duration of action increases with high plasma protein binding. Distribution decreases with high plasma protein binding. Dialysis, agar highly plasma protein binding hoengi drugs, difficult to remove by dialysis. Diseases, whether it's a liver or any other disease, what effect it has on the plasma proteins. Displacement reactions, ठीक है. So agar ek drug hai and there are plasma proteins जो present over there, so how many, like let's say एक ही ड्रग है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है और यहाँ पर एक ड्रग ऑलरेडी यहाँ पे है, वॉरफेरिन है, और अगर उस पेशेंट को हमने सैलिसिलेट या एस्पिरिन दे दिया, उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, खुद यहाँ पे लग गया, तो ये वॉरफेरिन फ्री हो गया. एंड जब वॉरफेरिन फ्री हो गया तो फ्री होकर क्या करेगा, वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर कॉमन विद ड्रग्स व्हिच आर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड. सो प्लीज रिमेंबर द 5 days, which is very important for plasma protein binding. Redistribution, so redistribution usually important for thiopentone, which are highly lipid soluble drugs, and it happens in case because thiopentone is a phenobarbital, and iska jo site of action is your central nervous system. तो फटाफट ही जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, because this is highly vascular organ. So quickly ऐसी drugs जाती है into the CNS, or you know it is used for induction of anesthesia, general anesthesia. It will produce the anesthesia, and of जितनी जल्दी अंदर जाता है उतनी जल्दी ये बाहर भी आ जाता है. So quick onset of action and quick termination of action. इसको कहते हैं उसके बाद ही कहाँ जाएगा, पहले जाएगा हाईली वैस्कुलर ऑर्गन्स में, हाईली वैस्कुलर, देन इन लेट्स से द मीडियम वैस्कुलर ऑर्गन्स. सो इट विल देन गो अगेन इनटू द मसल्स एंड लेटर ऑन इन द एडिपोज टिश्यूज. सो बिकॉज इसका साइट ऑफ एक्शन, टारगेट ऑफ एक्शन इज सीएनएस, तो हमें फटाफट एक्शन दिख जाता है इन द सीएनएस बिकॉज ये फटाफट पहले वहां चली जाती है. सो ऐसी ड्रग्स विच हैव वेरी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, दे एंटर the organs which are highly vascular, अपना effect produce करेंगे and then वो बाहर आ जाएंगे, and ठीक है उसका बाहर आने के बाद वो दूसरे tissues में चले जाएंगे, but because ये CNS से बाहर आ गए तो anesthesia तो रहा नहीं अब, तो इसका action भी जितनी जल्दी होता है उतनी action भी खत्म भी उतनी जल्दी होता है. इसको कहते हैं it gets redistributed, they are very very short acting, कुछ मिनटों में इसका action शुरू होगा और खत्म भी हो जाएगा. Then CYP, so इसमें important है enzyme induction, enzyme inhibition. So which are the important enzyme inducers? You remember this MCQ. Get PCR, P square CR. So griseofulvin, ethanol, chronic alcoholism, tobacco smoking, phenobarbital, phenytoin, carbamazepine, rifampicin. ये हैं जो potent enzyme inducers. ठीक है, so these are enzyme inducers. Remember, इसके examples are important. Enzyme induction is very important for this. ठीक है, So these are the ones. Then examples, इसका मतलब होता है you have to tell what happens, कहाँ कहाँ पे enzyme induction is seen. So for example, paracetamol toxicity, increased intensity of action of drugs that are activated by metabolism. Paracetamol gets metabolized to NAPQI. This is actually hepatotoxic. ये जो इसका metabolite है, ये liver को damage करता है. पर normally हम जब पैरासिटामोल लेते हैं तो इतने enzymes होते हैं इसको फटाफट metabolize हो जाती है और ये body से बाहर निकल जाती है. Normally कोई खास problem होती नहीं. Problem actually आती है जब कोई patient alcohol consume करते हैं. तो अगर आप strips पे देखोगे, इंडिया में तो है नहीं पर एसिटामिनोफेन बाहर मिलती है, उनकी ना strips पे ही लिखा होता है कि alcohol जो ले रहा होता है do not consume this acetaminophen just like paracetamol. बिकॉज जो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल ये वाले जो एंजाइम्स होते हैं जो पैरासिटामोल को कन्वर्ट कर रहा है इनटू द नैपक्यू. हमने अभी किया ना, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म इज एन एंजाइम इंड्यूसर. सो इट विल इंक्रीज द इंडक्शन, मींस इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासिटामोल. इंक्रीज करेगी पैरासिटामोल की मेटाबॉलिज्म इनटू नैपक्यू. अब नैपक्यू को आगे कन्वर्ट करने के लिए इनटू यू नो द नॉन टॉक्सिक फॉर्म देयर आर अगेन सर्टेन एंजाइम्स, बट वो एंजाइम्स थोड़े से ही है. पर जब इतना नापक्वी फॉर्म हो जाता है तो वो जो मेटाबॉलिज्म है वो बेचारी ओवरवर्क हो जाती है, या वो ऑलरेडी 5 इतने का एंजाइम्स हैं जो इसको इनएक्टिवेट डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं. ठीक है, इसको कन्वर्ट करें नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, बट हमने इतना नापकी बढ़ा दी है अल्कोहल से कि वो सारे के सारे एंजाइम सैचुरेट हो गए हैं. वो थोड़ा बहुत नापकी तो कन्वर्ट हो रहा है नॉन टॉक्सिक, बट बाकी का बाकी जो है बच गया है. तो व्हेन देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दिस मेटाबोलाइट, इट विल कॉज डैमेज टू द लिवर. अल्कोहल खुद से भी डैमेज करता है लिवर, नापकी भी पैराटॉक्सिक है. सो व्हेन अल्कोहल अलोंग विद पैरासिटामोल, व्हेन क्रॉनिक अल्कोहलिक्स क्यों लेते हैं वो पैरासिटामोल, खूब ड्रिंक करते हैं, अगले दिन को हैंगओवर होता है, सिरदर्द होती है, तो पैरासिटामोल लेते हैं फॉर द हेडेक. सो दिस इज अ डेंजरस कॉम्बिनेशन बिकॉज अल्कोहल इज आल्सो डैमेजिंग द लिवर, पैरासिटामोल इज आल्सो इंक्रीजिंगली गेटिंग मेटाबोलाइज्ड टू नैपक्यू एंड दैट इज नॉट गेटिंग यू नो फॉर्म इनटू द नॉन टॉक्सिक फॉर्म बिकॉज इतना नैपक्यू है. तो जो एक्स्ट्रा नैपक्यू है, हमेशा जो चीज एक्स्ट्रा फ्री घूम रही होती है उसने तंग ही करना होता है आसपास, तो वो और लिवर को डैमेज करेगी. सो दिस इज अ something which is an adverse effect, or this is a problem which is seen with alcohol as well as the paracetamol. So never to alcoholics को करते हैं paracetamol आप ना लो. Tolerance. So some drugs they get metabolized या ये जैसे carbamazepine is an enzyme inducer. तो जो carbamazepine है वो enzyme inducer होती है. It gets converted into the let's say it is into the metabolite. तो ये खुद के ही एंजाइम को इंड्यूस करती है, मतलब इसको फास्ट करती है और तेज करती है. तो कार्बामाजेपिन गेट्स मेटाबोलाइज फास्टर. सो व्हाट हैपेंस, एक हफ्ता आपने डोज दी 100 मिलीग्राम लेट्स से पेशेंट को, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, आपने प्रिस्क्राइब की 100 मिलीग्राम्स एंड दिस गेट्स मेटाबोलाइज्ड इनटू द मेटाबोलाइट. 100 मिलीग्राम्स मेटाबोलाइज हो गई, बट आफ्टर अ वीक बिकॉज इट इज मेटाबोलाइजिंग, इसको ये फास्ट इंड्यूस कर रही है, ये फटाफट मेटाबोलाइज. अगले हफ्ते ये 3 दिन के अंदर ये सारी की सारी मेटाबोलाइज हो जाएगी बिकॉज ये जो एंजाइम है यहाँ पे ये इंड्यूस हो चुका है. तो धीरे धीरे क्या होता है, ये कार्बामाजेपिन अपने ही एंजाइम को इंड्यूस करती है. तो जो आप डोज दे रहे हो, अगर आप लेट्स से आपने जो डोज दी है वो एक डोज सुबह से शाम तक असर कर रही थी, धीरे धीरे वो सुबह से दोपहर तक ही असर करती है, शाम तक नहीं, क्योंकि वो फटाफट मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है. तो ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं ऑटो इंड्यूसर. It is metabolizing its own enzyme. It is inducing its own enzyme so that it is getting converted into this inactive form faster. So अब इसका action 24 hours का नहीं रहा, आप खुद का action में भी 12 hours का ही रहा है. So इसलिए आपको फिर ऐसे drugs की बार-बार dose बढ़ानी पड़ती है because of the induction or this property. It's called as auto induction property. And this is an example of auto inducer, carbamazepine. And ये this is very common, very important interaction. फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स विद एनी एंजाइम इंड्यूसर, रिफैम्पिसिन हो, फेनिटोइन हो और फिनोबार्बिटोन हो, किसी के साथ भी अगर आप दोगे तो इसकी फेलियर हो जाएगी. बिकॉज क्या करती है, जैसे ये ओसीपीज है, पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स पेशेंट ले रही है, सो लेट्स से इट इज टेकिंग 1 टैबलेट एंड दिस इज वर्किंग गुड, मॉर्निंग में ले लिया इसने, सो उस रात तक दिस इज वर्किंग फाइन, आपको नेक्स्ट टैबलेट आफ्टर 24 आवर्स देनी है। नॉर्मली ऐसा होता है, सो पेशेंट इज प्रोटेक्टेड। बट व्हेन दिस रिफैम्पिसिन इज गिवन, वो क्या करती है, इस एंजाइम को इंड्यूस करती है, सो एंजाइम स्टार्ट्स वर्किंग फास्टर। तो अब ये जो ड्रग है, ये इसके जगह 12 घंटे में ही दिस विल गेट मेटाबोलाइज बिकॉज दिस एंजाइम इज एक्टिंग फास्टर। सो यहाँ पे ये मेटाबोलाइज होगी। अब आपको डोज की जरूरत यहाँ पड़ेगी क्योंकि ये वाला पीरियड जो है यहाँ पे तो अब ड्रग रही नहीं बिकॉज ऑफ इंडक्शन। सो दिस इज अनप्रोटेक्टेड टाइम, ठीक है। सो पेशेंट फील्स की अगर उसको नहीं बताया गया कि भी आपको रिफैम्पिसिन के साथ ये प्रॉब्लम आएगी, तो पेशेंट को लगता है कि मैं आई एम सेफ, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव फेज सेफ है थ्रू आउट द डे, बट एक्चुअली वो सेफ नहीं है बिकॉज ऑफ द इंडक्शन। यहीं पे इसका असर खत्म हो चुका है। तो अब क्या होता है कि ये वाला जो पीरियड है अनसेफ है, पेशेंट कैन गेट प्रेग्नेंट, एंड पेशेंट कैन गेट प्रेग्नेंट ऑन दीज ड्रग्स विच आर नॉट यू नो दे से वेरी गुड। अगर पेशेंट को पता नहीं है, सो दे कैन कॉज सम प्रॉब्लम्स इन द प्रेगनेंसी। सो इस केस में क्या करते हैं, हम बोलते हैं फॉर दिस पीरियड पेशेंट नीड्स टू यूज सम अदर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, ठीक है। सो दिस इज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन विद रिफैम्पिसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द पेशेंट दैट व्हेन यू आर ऑन रिफैम्पिसिन एंड पेशेंट इज टेकिंग ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव, इसलिए हिस्ट्री लेनी जरूरी है। पेशेंट कोई ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव तो नहीं ले रहा, अगर ले रहा है तो उसको बोलना है कि आपको अकेले इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इट इज नॉट सेफ, नॉट कंप्लीट प्रोटेक्शन, सो यू माइट नीड टू यूज अनदर मेथड ऑफ contraception. So these are the various examples of what can happen with enzyme induction that you should know. Now this is more important for MCQ detail में कम पूछते हैं because you know not required to know कि this ये जो दो CYPs हैं 3A4 and 2D6, ये most important CYPs हैं। 3A4 तो almost more than 50% metabolism के लिए responsible है, CYP2D6 about 20-30% metabolism के responsible, rest are the others and unimportant. So ये दो सबसे ज्यादा important है, और ये चार इसलिए मैंने लिए because ये exams में कई MCQs में पूछे हैं like which of these drugs are metabolized by कौन सा CYP450. So just can note down these four, बाकी सब details करने की जरूरत नहीं है। For university examination details में ये नहीं आता, it's only for MCQs that you should know these examples. That is important for this particular. And enzyme inhibition is examples are more important. Another mnemonic wiki ऐसे करके आप याद रख सकते हो, valproate, isoniazid, cimetidine, ketoconazole, erythromycin. So these are your enzyme inhibitors. Enzyme induction is more important as compared to enzyme inhibition. ठीक है, so always remember that. Then coming to the first order zero order kinetics. Again, if you don't have this snapshot, you can take the snapshot. These are the difference between the first order kinetics and zero order kinetics. Most of the drugs will follow first order kinetics and very few drugs follow first order kinetics. Zero order kinetics especially ये होती है जब आप एक ड्रग की बहुत हाई डोज देनी शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल फेनीटोइन लो डोज पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, अगर हाई डोज दोगे तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। एंड रिमेम्बर फर्स्ट, हर एक को फर्स्ट आना अच्छा लगता है, फर्स्ट ऑर्डर इज गुड काइनेटिक्स, जीरो किसी को मार्क्स आने अच्छे नहीं लगते तो जीरो इज बैड ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। एंड एफ इज फॉर फर्स्ट, एफ इज फॉर फ्रैक्शन, अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड, इसमें अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड। सो फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट फ्रैक्शन होता है कि 50% और ड्रग इज बीइंग मेटाबोलाइज्ड लेट्स से इन 1 आवर, हमेशा ही 50% ड्रग मेटाबोलाइज होगी। ये इसका मतलब है कि 50 मिलीग्राम्स ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज होगी इन 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे परसेंट है और यहाँ पे टोटल अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल 8 मिलीग्राम्स ऑफ ड्रग आपने दी और इधर भी 8 मिलीग्राम्स ऑफ ड्रग दी मैंने, सपोज इसकी जगह मैं यहाँ 50% रहेगा और लेट्स से यहाँ पे 2 मिलीग्राम्स पर आवर हो रहा है। ये 50 मिलीग्राम, ये 50% है, 50% मींस हाफ ड्रग, हाफ ऑफ द ड्रग। तो 1 घंटे में 50% इसका हो गया 4 मिलीग्राम्स, अनदर 1 घंटे में 2 मिलीग्राम्स। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी मेटाबोलाइज। ये है कि हर घंटे में सिर्फ 2 मिलीग्राम, सो 1 घंटे में 6 मिलीग्राम्स, अनदर 4 मिलीग्राम्स, देन 2 मिलीग्राम्स एंड देन 0। सो दिस इज द डिफरेंस। वो 50% है, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। So, in first order kinetics, half-life always remains same. Half-life हमेशा constant रहती है. So 8 से 4 आने में half-life is जब half हो जाती है 1 hour लगता है. 4 से 2 आने में भी 1 hour ही लगता है. यहाँ पे 8 से 4 आने में कितने लगे? 8 to 6, 6 to 4, 2 hours. और 4 से 2 आने में 1 hour. So इसमें half-life constant नहीं रहती. ये फर्क है. तो 8 से 4 होने में इसको 2 घंटे लगे हाफ होने में, और 4 से 2 होने में इसको 1 घंटा लगा. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द हाफ लाइफ. सो हाफ लाइफ उधर कांस्टेंट है, हाफ लाइफ उधर वेरिएबल है. देन अनदर डिफरेंस इज रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑलवेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा ज्यादा है उतनी एलिमिनेशन ज्यादा होगी. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी आप बढ़ा दो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, इसने इतना ही रहना, 2 mg/hour ही जाना, ठीक है. सो इसमें ये प्रॉब्लम है. दैट इज वाई फिर इसमें ओवरलोडिंग और ड्रग आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज वो मेटाबोलाइज जो हो रही है वो तो कांस्टेंट अमाउंट ही रहता है. चाहे आप इसको 16 mg कर दो, चाहे आप 32 mg कर दो, ये 2 mg के ही रेट पे चलेगा. जबकि अगर आपने इसको 16 कर दिया तो ये इसका 50% जाएगा, ठीक है. सो 50% ऑफ दिस सेम, हाफ लाइफ सेम रहेगी, 50% विल बी. सो इसमें रेट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट, डजंट डिपेंड ऑन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ गुड काइनेटिक्स, बिकॉज आपने अगर ज्यादा ड्रग दे दी है और अगर वो स्लोली ही उसी रेट पे उसी अमाउंट में एलिमिनेट हो रही है तो टॉक्सिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. क्लियरेंस इज कांस्टेंट, यहाँ पे क्लियरेंस इज मोर एट लो कॉन्सेंट्रेशन एंड लेस एट हाई कॉन्सेंट्रेशन. सो ये आपको अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये 3 डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं इसमें, एक हाफ लाइफ का, एक रेट ऑफ एलिमिनेशन का और एक क्लियरेंस का. हाफ लाइफ का, रेट ऑफ एलिमिनेशन का और ये क्लियरेंस का, ये 3 चीजें. और क्लियरेंस का एक फॉर्मूला याद रखो. क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. ये आपको एक फॉर्मूला है, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. सो ये चीज हमने यहाँ पे जैसे, सो क्लियरेंस इज मोर एट लो. सो अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो क्लियरेंस यहाँ लो है, अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इधर लो है तो क्लियरेंस यहाँ पे हाई, यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है, ठीक है. सो दिस इज द another important formula. One important formula was for bioavailability, second important formula is for volume of distribution, third important formula is for clearance. ये 3 points differentiating features हैं between first order and zero order kinetics. And most of the drugs, as I said, follow this one and few drugs. So important is हमेशा exception याद रखने चाहिए हमेशा. तो जो भी drugs zero order kinetics follow करती है उनके examples हमें आने चाहिए. इसके अलावा we have tall butamide also, phenytoin at high concentration. So please remember the examples of zero order. First order को याद रखने की जरूरत नहीं है, zero order के हमें याद रखने चाहिए the examples. Half life आपको पता है, half life होती है when the drug reduces to half of its plasma concentration, ठीक है, that is important. And steady state. So steady state का मतलब होता है this is the steady state, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. यू सी 197, 198 इसके प्लाज्मा खास फर्क नहीं है. पहले आप एक कांस्टेंट हम 100 mg ड्रग दे रहे हैं आफ्टर एवरी 1 hour. हाफ लाइफ है 1 hour, तो पहले 100 mg चले गई तो 1 घंटे में 50% ड्रग आ गई, 50. फिर हमने 100 mg दिया, फिर ये 150 हो गई, अनदर हाफ लाइफ. 150 का हाफ कितना हो गया? 75. सेकेंड हाफ लाइफ में 75. फिर हमने 100 mg दिया, 175 हो गई. तो हाफ लाइफ मतलब वन हाफ कितना हुआ? 87. फिर हमने 100 mg दिया. तो हर बार हम 100 mg ही दे जा रहे हैं. तो धीरे धीरे हम आफ्टर एवरी लेट्स से हर एक घंटे के बाद हम 100 mg आफ्टर एवरी कांस्टेंट टाइम हम 100 mg दे जा रहे हैं. तो क्या हो रहा है? उसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ी जा रही है. तो अगर हम स्लोप देखेंगे तो ऐसे ऐसे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे बढ़ के एक फिर प्लेटो सा जाता है. मतलब कुछ देर के बाद तो कितनी हाफ लाइफ्स हुई? ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट 5 हाफ लाइफ्स के बाद ये जो प्लेटो आना शुरू हो जाता है. चाहे आप 100 mg दे ही जाओ बट ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है. अब तो स्टीप नहीं जा रही है, एक फ्लैट हो गई है कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जो फ्लैट हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट और प्लेटो. प्लेटो प्रिंसिपल भी इसी को, स्टेडी स्टेट. So steady state is achieved in 4 to 5 half-lives. This you should be on your fingertips. How many half-lives are required to achieve steady state? That is 4 to 5 half-life. So अगर आपको कोई numerical आता है कि a drug की half-life is 10 hours, so after how many hours or will it achieve its steady state levels? So either it will be 10 into 4 or either it will be 10 into 5. जो भी 5 is always better than 4. अगर आपको 50 दिया है so choose 50. अगर 50 नहीं है then choose 40. और अगर दोनों दिए हैं choose 50. Because 5 half slice के बाद it is more closer to the steady state. So this ऐसे पूछते हैं exam में questions कि what is the half life when it achieves steady state हो गया after 4 to 5 half lives. And mostly जो steady state होते हैं concentration जो drugs की होती है ये effective concentration है, मतलब इसी concentration के बीच में वो अपना काम करती है. ऊपर जाएंगे तो टॉक्सिटी है, नीचे जाएंगे तो कोई काम नहीं करेगी, कोई फायदा नहीं उसका. दिस इज द लेवल जब वो ड्रग काम करती है अपना. ठीक है, स्टेडी स्टेट में इफेक्टिव मोस्ट ऑफ द ड्रग्स विल अचीव देयर स्टेडी स्टेट आफ्टर 4 to 5 हाफ लाइफ्स. ये प्रिंसिपल हमें याद रखना है. ठीक है, 4 to 5 हाफ लाइफ्स. और अनदर 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जस्ट नोट डाउन दीज 2 अगर आपको आता है. What is the formula for loading dose? What is the formula for maintenance dose? So loading dose, desired concentration into AVD divide by the bio. अगर oral है तो bioavailability से divide करना है. अगर सिर्फ it is IV, then there is no need to divide by bioavailability. It's 1. तब हम 1 ही consider. So this is example. आपको question आ सकते हैं for where you are given a plasma concentration, you are given the AVD, and you can be given the other features and you're supposed to calculate the loading dose. हो सकता है आपको clearance भी दियो, just to mislead you. But mind you that loading dose में clearance का कोई काम नहीं है. Loading dose का formula ये है, आप clearance उसमें बीच में लाना ही नहीं है. तो आपको loading dose calculate करना है. So loading dose क्या होता है? ये जो 4 बार हमने 400 मिलीग्राम दिए ना एक घंटे के बाद, अगर हम ये 400 मिलीग्राम इकट्ठे दे देते, अभी हम 100 करके दे रहे हैं, तो 5 घंटे में ये पहुंचा है. अब किसी को इमरजेंसी है, किसी की लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो हम 5 घंटे नहीं वेट कर सकते. हमें मिनट्स के अंदर उसको यहाँ पे स्टडी स्टेट पे लेके आना है, इस यहाँ पे आना चाहिए मिनट्स में. तो ये चारों की चारों जो है 1, 2, 3, 4 या 5 500 मिलीग्राम्स वी विल गिव एट वंस. तो हम लोड कर देते हैं विद द डोज, लोडिंग डोज वी लोड इट एट वंस सो दैट इट रीचेस द स्टेडी स्टेट क्विकली, बिकॉज दिस इज द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन. लेट्स से किसी को रिदमिया और रिदमिया ट्रीट करना है, 5 घंटे तक तो पेशेंट ऊपर चला जाएगा, तो हम रिदमिया 5 घंटे का वेट नहीं करेंगे. तो हमें फटाफट उसको रिदमिया ट्रीट करना है, तो हम 500 मिलीग्राम देंगे फटाफट ताकि उसका रिदमिया ट्रीट हो जाए, बिकॉज वो ड्रग यहाँ जितनी देर उसको यहाँ लग रही थी उतनी देर में ये मिनटों में यहाँ पहुंच जाएगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग डोज. व्हेन यू जिस ड्रग की हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है, सो उसको हम जैसे घंटा, हमें जब मिनट्स में एक्शन चाहिए, वी कैन नॉट वेट फॉर आवर्स. फॉर इवन क्लोरोक्विन अगर ले लो, क्लोरोक्विन 24 घंटे में, अगर वो लेट्स से उसका हाफ लाइफ 24 आवर्स है, तो उसको 5 दिन लगेंगे क्लोरोक्विन जो मलेरिया के फीवर में यूज करने के लिए. तो आपको लगता है कि पेशेंट को हम 5 दिन फीवर में छोड़ देंगे, हाई ग्रेड फीवर में? नॉट पॉसिबल. इसलिए क्लोरोक्विन में हम लोडिंग डोज इकट्ठे टैबलेट्स देते हैं, लोडिंग डोज, ताकि वो फटाफट अपना स्टेडी स्टेट लेवल पे पहुंच जाए और पेशेंट का फीवर ठीक हो जाए. सो दिस इज द क्लोरोक्विन. इसलिए दिस इज व्हाई लोडिंग डोज इज गिवन फॉर ड्रग्स विद वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ which have to be given in emergencies. Chloroquine, digoxin. Digoxin की बात की है, हम एरोदमियाज में यूज कर रहे हैं, CHF में यूज कर रहे हैं for any reason. और एक बार जब ड्रग पहुंच जाती है स्टेडी स्टेट में, फिर उसको बस मेंटेन ही करना, थोड़ी थोड़ी डोज देके उसको मेंटेन ही करना होता है. उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस डोज. फर्स्ट यू रीच दैट टारगेट. जब टारगेट एक बार कोई हम अपना लेट्स से एक बार हमने कोई चीज याद कर ली, उसके बाद बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके उसको हमने अपने दिमाग में रखना होता है. ठीक है, सो सेम यही चीज है. एक बार लोड हो गया, ठीक है, दिमाग के अंदर लोड हो गया, फिर उसको धीरे धीरे बस मेंटेन ही कर, उसको बार थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट रिवीजन करके हमने, तो फिर हमें उतनी बार बार उस पढ़ाई नहीं करनी पड़ती उस चीज के लिए. सिमिलरली बार बार आपको लोडिंग डोज नहीं देनी, एक बार उसको कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर टारगेट में ले आए, अब उसको बस थोड़ा थोड़ा डोज देके हमें उसको मेंटेन करना. दैट्स द मेंटेनेंस डोज. ये दिस इज मोर ऑफ थियोरेटिकल, ये बुक में जरूर इसको देख लेना, व्हाट इज थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग और कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए. तो ये हमें ये ऑल दीज लो सेफ्टी मार्जिन के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर कम ड्रग दी तो एफिकेसी नहीं होगी, ज्यादा ड्रग दी तो एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वेरी एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह के लिए, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू एंटी डिप्रेसेंट्स, सो वी कैन नॉट से कि एक डोज इज इक्वल और एक डोज विल बी इफेक्टिव इन एवरीबॉडी। देन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, दे आर टॉक्सिक ड्रग्स, अगेन वी हैव टू बी केयरफुल कि आप कितनी डोज में उसको दोगे। पॉइजनिंग्स में एंटी माइक्रोबियल्स में अगर असर नहीं आ रहा है, हमें क्यों नहीं असर आ रहा है, पेशेंट को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हम वो देखना चाहते हैं, तो हम ड्रग की थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग लेवल्स देखेंगे कि लेवल्स आ भी रहे हैं, हम डोज ठीक से दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट को हमें ड्रग दे दिया और वो कहता है जी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेशेंट एक्चुअली ड्रग ले ही नहीं रहा, तो वो कैसे पता करेंगे, पेशेंट का ब्लड जो सैंपल है वो लेंगे ब्लड का और देखेंगे कि उसमें ड्रग है भी कि नहीं, पता लग जाएगा पेशेंट झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, दवाई ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। तो उस चीजों के लिए हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। कहाँ पे नहीं करते, जहाँ पे आपको बीपी और आप शुगर लेवल मेंशन कर सकते हो, क्यों बाबा ब्लड लेके उसका हमने लेवल्स क्यों देखने हैं, जब आपको सीधा उसकी बीपी बता देगी रीडिंग कि आपकी ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं, उसका शुगर लेवल बता देगा आपका ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं। नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। ड्रग्स व्हिच इज गेटिंग डीएक्टिव, लीवोडोपा रहा ही नहीं, डोपामीन में चेंज हो गया, अब आप ब्लड में उसको लीवोडोपा देखे जा रहे हो, वो है ही नहीं, वो बन चुका है डोपामीन, सो देयर इज नो वे व्हाई, हाउ कैन यू चेक द लेवल ऑफ लीवोडोपा। हिट एंड रन ड्रग्स होते हैं कि हिट करके भाग जाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल माओ है, रेजेपीन है, इवन यू पीपीआईस को भी कहते हैं कि वो अपना एक्शन करके मेटाबोलाइज होके भाग गए, बॉडी से निकल गया, ड्रग में लेवल है ही नहीं उसका, पर उसने अपना एक्शन कर दिया, वो एक्शन चलता रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। एस्पिरिन भी ऐसे करता है, ठीक है, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और एस्पिरिन के लेवल्स दिखे ना दिखे, कॉक्स एंजाइम की नाउ इरिवर्सिबल बाइंडिंग है, तो उन जब आप ड्रग है ही नहीं बॉडी में, आप किसको मेजर करोगे, ठीक है। सो वहां पे नहीं करते। इरिवर्सिबल एक्शन है, सो अगेन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स नो नीड टू डू बिकॉज इट इज देयर इन द एंजाइम पे, ये स्टिक हो गया और एक बार वो वहां पर लग गया तो वहां पर लग ही गया, तो उसको आप जब उसका एक्शन रिवर्स ही नहीं कर सकते तो आपको मॉनिटरिंग करने की क्या जरूरत है उसमें, ठीक है। देयर इज नो वे, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। या तो हो सकता है अगर आप उसको कर लेते, मॉनिटर निकाल देते या कुछ डोज, हमें क्यों उसको चाहिए, हमें पॉइजनिंग की डोज को क्यों मॉनिटर यहाँ पे करना है जो इरिवर्सिबल एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। देयर इज नो यूज ऑफ दिस थिंग, सो इट इज यूजलेस हियर। This was about this. Now quickly to the other ones, we go to the ADRs. So type of ADRs, again, if these are important, if you want to take a snapshot, these are very important. They ask you what are type A, type B, type C, type D, type E, type F. और इसमें examples भी दिए हुए हैं, आप इसका एक snapshot ले लो और इसको याद करना। Type A ADRs mostly होते हैं कि आपने dose of the drug बढ़ाओगे तो वो ADR बढ़ेगा, ठीक है। Anticoagulants bleeding करते हैं, yes. Small dose में small इफेक्ट कम होगा, और ज्यादा डोज लोगे ब्लीडिंग ज्यादा होगी, और डोज लोगे और ब्लीडिंग होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड। प्रेडिक्टेबल है, पता है हमें ब्लीडिंग करता है। टाइप बी का मतलब होता है कि हमें पता नहीं है, किसी में बार्बिट्यूरेट्स नॉर्मली शुड बी सेडेटिव बट एल्डरली में दे दिया, वो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं, बिजार रिएक्शन, वी डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरामफेनिकॉल ऐसी ड्रग है, बोन मैरो टॉक्सिसिटी कॉज करती है, तो किसी भी डोज में किसी में भी कर सकती है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, तो इसलिए वो हो गया बिजार रिएक्शन। सी हो गया क्रॉनिक, मतलब सी विद क्रॉनिक मींस आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्लोरोक्विन लंबे टाइम तक दिया तो आंखों को डैमेज कॉज कर सकती है। डिलेड रिएक्शन यूजुअली होता है कि दिस इज फर्दर ऑफ, लाइक टेराटोजेनिक इफेक्ट है कि आप मदर ले रही है तो उसके बच्चे में वो आ गया आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो उसके अंदर चला गया, ऑर्गेनोजेनेसिस में उसने खराबी करनी शुरू कर दी और उसके धीरे धीरे बाद क्या हुआ, सालों के बाद इफेक्ट आना शुरू हो गया। एंड ऑफ यूज, आपने ड्रग दे रहे हो, एकदम से बंद कर दी ड्रग, उसके बाद साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। सो अगर आपने बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो पेशेंट को, बिकॉज वो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है बहुत टाइम के लिए, जैसे फटाफट आपने बीटा ब्लॉकर को विड्रॉ कर लिया तो उसके बीटा 1 और बीटा 2 दे आर ऑल वेकेंट, खाली हो गए, तो फिर जो आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम में एड्रेनालिन, वो आके इस पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली बीटा 1। बीटा 1 इज प्रेजेंट इन दी हार्ट, और वहां पे आना शुरू कर, बीटा 1 को फटाफट स्टिमुलेट किया और स्टिमुलेट करके क्या किया उन्होंने, बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ा दिया, तो एंजाइना के पेशेंट में ये जानलेवा है, ठीक है। सो इसीलिए हम कभी इमीडिएटली बीटा ब्लॉकर्स को विड्रॉ नहीं करते, स्लोली विड्रॉ करते हैं। फेलियर ऑफ थेरेपी जो हमने अभी बात की, रिफैम्पिसिन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स दैट यू शुड नो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत बार आता है एग्जाम में टाइप्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, और ये एक बुक में भी दिया हुआ है, सो इफ यू वांट टू सी कि आप कैटेगरी ये ज्यादा इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये एमसीक्यू में भी आता है. व्हाट इज टेराटोजेनेसिटी? सो मोस्टली प्रेगनेंसी के 17 टू 55 डेज आर वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज यहाँ पे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं. तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इधर होती है. उसके बाद डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आती है, पर जो ऑर्गन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने कहा था वो थैलेडोमाई डिजास्टर वगैरह हुआ था, वो इस टाइम. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कम से कम ड्रग्स दी जाएं इस टाइम पे. तभी हम अप्रूव नहीं करते कि कोई भी ड्रग ऐसे until unless absolutely necessary. तो इसमें ये डिफरेंट ड्रग्स हैं ए बी सी डी ई. तो ए सेफेस्ट है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है. ठीक है, क्रॉस मतलब ही डेंजरस है. तो ये आपको just remember A to go from most safe to least safe. This is X हमेशा cross danger ही होता है. So remember this one, thalidomide, vitamin A, isotretinoin, all these. ठीक है, so ये है कि इनमें studies अभी हमारे पास नहीं है. Paracetamol considered to be very safe because we have no studies जिसने बताया है कि there is a problem in the baby or the fetus. ये आपको याद रखना. So ये teratogenicity के लिए important है. फार्माकोविजिलेंस में बहुत डिटेल्स नहीं, ओनली एमसीक्यू वाइज कई बार पूछते हैं. इट इज व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस? इट इज अ पोस्ट मार्केटिंग, आफ्टर द ड्रग कम्स इनटू द मार्केट, डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड ऑल द हेल्थ केयर पीपल, दे आर सपोज्ड टू कीप अ चेक. अगर किसी ड्रग से उनको कोई एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट होता है, उनको एक फॉर्म फिल करना होता है, एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म, और वो फिर आगे वो भेजते हैं हायर सेंटर्स को. ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर में फिल होता है on the computer. So this is a way of gathering the data about the safety of drug. Because क्या होता है initially जब clinical trials में होते हैं तो बहुत कम population होती है हमारे पास, तो हम इतनी जल्दी हमें पता नहीं लगता कि कौन सी इस drug के क्या क्या side effect हो सकते हैं. पर gradually जब आप आगे आगे drug release हो गई market में, तो सालों साल तक आप study हो सकता है. किसी drug का जो side effect आता ही 10 साल के बाद है, तो जब तक वो community में आएगा, 10 years तक follow होएगा, तब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई ये इसमें साइड इफेक्ट. तो वो साइड इफेक्ट पता भी ऐसे लगेंगे. कैसे लगेंगे? कि अगर आप उसको कोई मॉनिटर कर रहा है, तो हम इसलिए डॉक्टर्स को बार बार कहते हैं कि आप प्लीज कोई भी या इन योर वार्ड जब पोस्टिंग होती हैं कुछ भी, तो ये चीज होती है कि आप मॉनिटर करते रहो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो इसमें एक जो चीजें आपको जरूरी है, कंडक्ट कौन करता है उसको? CDS, सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल. कई बार ये पूछते हैं इट इज कंडक्टेड बाय होम? इट इज कंडक्टेड बाय CDS CO, Drug Standard Control Organization, and it is coordinated by IPC. IPC is Indian Pharmacopoeia Commission. These are few points which you should know. Exam में आता भी है, अगर अभी चीजें लिखोगे काफी marks मिल जाएंगे. Pharmacovigilance होती क्या है? Because MCQ आता है, it is study of about the adverse effects or the safety of the drug. This is more important. After the drug comes into, remember पहले नहीं, after the drug has come into the market, post marketing, phase 4 में, after the phase 4. I'll tell you about the trials also. मैं एक slide बताऊंगी उसमें. फार्माकोजेनेटिक्स, इसमें जो बेसिकली क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में फार्माकोजेनेटिक्स पे कई बार क्वेश्चन आता है. सो फार्माकोजेनेटिक्स के बहुत सारे, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, 10-12 एग्जांपल्स. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. ठीक है, फार्माकोजेनेटिक्स का क्या मतलब हुआ कि कुछ पेशेंट्स में हमारे में जीन्स होती हैं और वो एंजाइम्स आर कंट्रोल बाय द जीन्स. सो कुछ पेशेंट्स में जीन ज्यादा काम कर रही हैं, कुछ पेशेंट्स में जीन कम काम कर रही है. सो कुछ पेशेंट्स में एंजाइम आर मेटाबोलाइजिंग फास्टर, कुछ पेशेंट्स में एंजाइम्स आर मेटाबोलाइजिंग स्लो. सेम ड्रग है, फॉर एग्जांपल आइसोनायाजिड हमने पेशेंट्स को दी, जहां पे उसका जिस पेशेंट का एंजाइम फास्ट एक्ट कर रहा है उसकी मेटाबोलाइज्म फास्टर हो रही है, जहां पे उस पेशेंट का एंजाइम किसी और का एंजाइम स्लो कर रहा है, तो उस पेशेंट में आईएनएच जो है स्लोली मेटाबोलाइज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज फार्माकोजेनेटिक्स बेसिकली. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर एंजाइम्स. तो INH एसिटाइलेशन इज द प्रोसेस. इफ यू रिमेंबर फेज 1 फेज 2 होते हैं इसमें. सो फेज 2 में एसिटाइलेशन स्टेटस होता है. सो एसिटाइलेशन मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म. सो आइसोनायाजिड गेट्स मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन प्रोसेस. सो इन सम देयर इज फास्ट मेटाबॉलिज्म एंड सम इट इज स्लो. So because of the variations in their genes. So similarly, these are all various examples that you should know. Ryanodine receptor, राइनोडाइन रिसेप्टर एब्नॉर्मलिज्म, जैसे जिनको malignant hyperthermia हो जाता है because of ryanodine receptor problems. ACE inhibitors में प्रॉब्लम, ACE enzyme की polymorphism, किसी में फास्ट हो रहा है, किसी में स्लो हो रहा है. G6PD again fast या slow. CYP तो हमने इतनी देख ले पीछे, इंडक्शन एंड ऑल दोज. सो जिसमें फास्टर होएगा तो उसमें वो जो ड्रग है फास्ट मेटाबोलाइज हो जाएगी, किसी में स्लो मेटाबोलाइज हो जाएगी. तो यही मतलब है फार्माकोजेनेटिक्स का जो आपको. So इसमें आपको examples are important. At least remember 5 to 6 examples to be able to write in the exams. And these are mostly the examples that have been asked in the previous MCQs. Factors influencing the choice of the drug अगर आता है, it is the same as factors modifying the drug action जो books में लिखा होता है, उसकी सिर्फ language change की है. So age पे फर्क पड़ेगा, बच्चा है, young है या adult है. The age would बच्चों में dosage अलग होती है, elderly में dosage अलग से देखी जाती है, हमें ध्यान रखना पड़ता है. Young population और जो middle वाली population, most of the times it is almost the same. There is no difference in gender, gender में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. Body surface area mostly is important in case of anti-cancer drugs. Mostly anti-cancer drugs. Route, अगर IV route है कम डोज देनी है, दूसरा oral route है high dose देनी है, so that will influence the drug choice. Genetic factors हमने अभी किए, you know, pharmacogenetics इसके अंदर आ जाता है. Diseases, liver disease है, मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ेगा. GI disease है, absorption में फर्क पड़ेगा. Kidney disease है, elimination और excretion में फर्क पड़ेगा. So they will all influence the choice of drugs. You will have to, और जो drugs, let's say कोई drug hepatotoxic है, कोई drug nephrotoxic है, तो आपको उन drugs की dosage उन diseases में आपको कम करनी पड़ेगी. Presence of other drugs. If you're giving 2 drugs together at the same time, either they can be, जैसे हमने कहा iron और calcium इकट्ठे नहीं देना चाहिए, ठीक है? That can be a problem. Then for example कई बार ऐसे होता है कि antacids है और आप PPIs दे रहे हो, उन दोनों को proton pump inhibitors should not be given with antacids because proton pump inhibitors work at an acidic pH. Antacid work, they will change the pH to neutral. तो दोनों आपस में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आप एक ड्रग दे रहे हो जो कि है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक ड्रग दे रहे हो बैक्टीरिसाइडल. साइडल मतलब वो बैक्टीरिया को मार रही है, स्टैटिक मतलब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रही है. अब मोस्ट ऑफ द साइडल ड्रग्स वो तब काम करती हैं जब फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया होते हैं. तो अगर आपने बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग दे दिया तो उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को बंद कर दिया. तो साइडल ड्रग्स ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन. सो यू कैन नॉट कंबाइन अ बैक्टीरियोसाइडल विद अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग. सो यू कैन राइट वेरियस एग्जांपल्स इन दिस, ठीक है? अदर ड्रग्स कैन इन्फ्लुएंस द, so these are so many examples, influence and choice. So whether it is factors modifying drug action or factors influencing the choice of drugs, you can modify these same things in that way. Then drug development, इसमें आपको mainly आपको जो आपको याद करने हैं, schedules हम कर चुके हैं. ये trials, ये आप एक इसका picture ले लेना, snapshot, ठीक है? Because इतना ही आना चाहिए. Do not go for many details, at least at the undergraduate level. अभी अगर university exam है और अगर anybody is preparing for the entrance तो यही पूछते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं. Phase 0 किसके लिए? Phase 0 is नंबर ऑफ सब्जेक्ट सबसे कम होते हैं. Phase 4 जो हमने बात की, जहाँ पे फार्माकोविजिलेंस वगैरह होती है, Phase 4 होती है जब वो मार्केट में आ जाती है. जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सारी Phase 4 में है, ठीक है? सो इट इज इन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है? जो Phase 0 है, इट इज इन वेरी फ्यू, और इसमें नॉर्मल, इन दोनों में नॉर्मल पीपल होते हैं, नॉट पेशेंट्स, नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर. उनकी बाकायदा हम कंसेंट लेते हैं to participate. So normal healthy volunteers होते हैं इनमें, but number of patients is very small because इतने लोग volunteer ही नहीं करेंगे ना. So इसमें usually you require a clinical pharmacologist. So इसमें हम study कर रहे हैं, उसकी kinetics study कर रहे हैं, dynamics study कर रहे हैं, you know, bioavailability studies, bioequivalence studies, all these things are going on here. Safety study कर रहे हैं, उस drug के effects study कर रहे हैं, all these things. Safe dose की patients में हम कितना safe dose दे सकते हैं वो हम study कर रहे हैं. फिर Phase 2 में और थोड़े से पेशेंट्स बढ़ जाते हैं अगेन, बट ये दिस हैपन, इट कैन हैपन इन हॉस्पिटल्स. यहाँ पे पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं. यहाँ पे सिर्फ Phase 2 में नॉर्मल है, बाकी सब में पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं. इनमें हम पेशेंट्स लेते हैं 100 to 300 पेशेंट्स. पेशेंट का नंबर कम ही है, कुछ लाइक हॉस्पिटल सेलेक्ट होते हैं. इंडिया में काफी ट्रायल्स हो रहे हैं आजकल बिकॉज थोड़ा चीप पड़ता है उनको, ठीक है? सो दे टेक दीज पेशेंट जो उस पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं, एंड वहां पे बेसिकली एफिकेसी एस्टैब्लिश होती है, प्लस एडवर्स इफेक्ट्स भी देख लेते हैं. सो मेनली अगेन ये मोर हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व है, मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं Phase 3 वाले ट्रायल्स में, So you see all these factors by all the investigators. For example, अगर कोई drug हो रही है for cancer, ठीक है, so इसमें जो somebody who is a cancer specialist, that will be a primary investigator जो इसमें study करेगा along with the pharmacologist and other members. But mainly it should be a person who is dealing in that disease, right? And last में these are your phase 4. ठीक है, phase 4 है जो अब ड्रग अप्रूव हो गई है, अब वो खुली मार्केट में आ गई है, अब thousands and thousands of patients, बहुत ज्यादा patients में हम इसको दे पा रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि long term patients को मे बी अब साल दे दिया, 2 साल दे दिया, 3 साल तक, तब कई बार कईयों के एडवर्स इफेक्ट पता लगते हैं उनको कि हाँ अब ये प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज यू कीप ऑन मॉनिटरिंग. जैसे बीटा ब्लॉकर किसी को दे दिया, अच्छा उससे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर ड्रग से हमें 1-2 साल डेटा इकट्ठा किया तो पता लगा कि उस बीटा ब्लॉकर से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सो उसको विड्रॉ कर लिया. तभी वो विड्रॉ होती है बाद में मार्केट से. ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने पॉइंट्स डिस्कवर किए जो 5-6 डेज में थे. So this is how actually you go about if you are nearing your exam, and if you've studied in that 1 week, these classes will only benefit you that ways. So if you have a fair idea of, you have a base, and this is just to over उसको जैसे कहते हैं ना, और उसको और strengthen कर देना आपकी revision को. This is the main thing of the this lecture. This was the one of the free sessions which actually I've been taking for few other students also. And for now on, what I actually want to do here is I'll tell you how we are going to progress in the next way. So ab kya karenge, what happens next? So there is